नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज मैं जिला जुहू सभापति होने के नाते पहली बार ये कल्याणी श्री आए थे यहाँ, अपने युवा भाई लोग से मिले, राजा और इनके साथी सब अरमान, सब बैठ के हम लोग बातचीत चर्चा किए कैसे संगठन को आगे ले जाना है। आज देश के सामने एक कठिन परिस्थिति है। इस कठिन परिस्थिति में जहां एक दल भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे देश को बांट रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है युवा समाज का। आज सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करके वहाँ पे सारे रिक्त स्थान, जितनी सरकारी पदों पे जो भी नौकरियां खाली पद, रिक्त पद थे, सबों को समाप्त कर दिया है। आज के नौजवान शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अंत में वो जो रोज़गार पाएंगे, ये सारी की सारी संभावनाओं को समाप्त किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम युवाओं को संगठित कर करके, जो देश का नुकसान कर रहा है, जो युवाओं का नुकसान कर रहा है, ऐसे शासक को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को संगठित होकर के लड़ाई लड़ना होगा और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को देश के सत्ता से उखाड़ फेंकना है, यही संकल्प हम लोगों ने। आपका मेन युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से अपील है कि वो अपना एंड्रॉयड फ़ोन, जो हम लोगों का मोबाइल फ़ोन आज सोशल मीडिया का युग है, और इस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से युवाओं को, 18 से 35 साल के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहका रही है, और यहाँ पे सोशल मीडिया में जो मैसेज फॉरवर्ड कराती है वो देश को तोड़ने वाला मैसेज फॉरवर्ड कराती है। वहीं युवाओं को सावधान होना है, जिससे देश का भला हो, जिससे रोज़गार मिले, जिससे समाज का भला हो, जिससे समाज एकजुटता के साथ चले, क्योंकि विभाजन से कभी देश का भला हो नहीं सकता है। जब तक हम लोग एक साथ मिल करके एकता के साथ नहीं चलेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, और जब तक देश तरक्की नहीं करेगा तो देश का कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। यही युवाओं का मैसेज है, मेरे लिए मैसेज है कि अपना एंड्रॉयड फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, देश को जोड़ने के लिए करें, देश को एकता कर, देश की एकता के लिए करें, देश को मजबूत बनाने के लिए करें। जब हम जुटेंगे तभी हम मजबूत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बांट करके हमें तोड़ना चाहती है, देश को कमजोर करना चाहती है, यहाँ हमें बचना। माँ कल्याणेश्वरी साहब के कुछ ये मांगे, मतलब आदमी होता है पूजा करने वाले, मन्नत। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं को सिर माथे पर रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा, बीते 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का कद राम से भी बड़ा दिखाया गया। मंदिर के बगल में ही हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा फोटो था, लेकिन राम जी का फोटो कहीं नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अंगुली पकड़ के चलकर ले जा रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छदम हिंदू, अपने आप को मैं बोलता हूँ वो छदम हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं लेकिन हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। हम लोग, हम यहाँ पे आए, हमारे यहाँ माँ कल्याणेश्वरी अवस्थित हैं, यहाँ से हम बाध होकर जा नहीं सके उनको, क्योंकि हम अपनी देवी देवताओं को अपने सिर माथे पर रखते हैं, धर्म को मानते हैं, हर संप्रदाय का धर्म के का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग सभी धर्म का सम्मान, अपने धर्म को मानते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश यादव। रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? राजनीतिक मंच इसके लिए होता है। राजनीतिक मंच मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं होता, लेकिन आज हम देख रहे हैं राजनीतिक मंच का इस्तेमाल मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए होता है। राम को यहाँ हम हर कोई जानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, भारत में बसने वाला हर भारत का नागरिक राम को जानते हैं। लेकिन परसों दिन राम का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, टीवी के पर्दे तक बहुत जोर शोर से दिखाया गया, सुबह से शाम तक शिलान्यास ही चल रहा। लेकिन ये शिलान्यास पहली बार नहीं हुआ,
इससे पहले भी एक बार हो चुका है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री से उस समय शिलान्यास हुआ था, ये दूसरी बार है। लेकिन दूसरी बार में राम का अपमान कितना किया गया, उस टीवी के पर्दे पर दिखाया गया, इसे किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने इसको नोटिस किया। राम का अपमान किया गया, जिसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम करते कहते हैं। क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं? पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम केवल पीठ चलाता था, इसीलिए राम का पूजा नहीं करता है। राम के राज्य में शासन व्यवस्था अच्छा था, इसलिए है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ना, तीर चलाता है, पावर कब क्या करके गया, उसका बदला राजा से लेना है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोग क्या करके गया, उसका इतिहास हो गया। आज हमारा राजा और हमारा बूढ़ा भाई हमारे घर में अगर कोई मरता है तो उसको कंधा देने के लिए तैयार है। आप यहाँ क्यों विभेद कर रहे हैं? अगर चार कंधा होता है तो चार कंधा में चार संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। आज यहाँ पर ये लोग विभाजन करके, विभाजन से कभी देश का भला नहीं होता। পুরো করোনার পরিস্থিতি বেড়ে চলেছে, এই আতঙ্কের পরিবেশে এখন আমাদের এখান বিধানসভার তরফ থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? বিধানসভার তরফ থেকে উদ্যোগ মানে প্রশাসনের তরফ থেকে যেটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, দাদার তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি এখন টেস্ট হোক, ভালো করে টেস্ট হোক, মানে এই জন্য আজকে নান্দনিকতে, আজ কাল নান্দনিকতে হবে, বাজার টোটাল বাজারের চেষ্টা করা হচ্ছে করাবার জন্য। আর পরশু দিন শনিবার দিন হেলথ সেন্টার রূপনারায়ণপুর হেলথ সেন্টারে হবে রেগুলার, এরকম জিতপুরে আছে, আর সালানপুরে আছে, আল্লাটিতে আছে, এরকম রেগুলার এখন চলবে পাড়া পাড়া। এখন তো এটা এখন ওদের মানে আতঙ্ক তো জোন হয়ে গেছে, সেই পরিস্থিতিতে এখন কি ব্যবস্থা করা হবে? চেষ্টা করতে হবে যতটা টেস্ট করা যায়, টেস্টেই বোঝা যাচ্ছে কি হ্যাঁ কার পজিটিভ আছে, টেস্টটাই করলে মানে যত টেস্ট হবে ততই বোঝা যাবে। তাছাড়া কোনো লকডাউন বাড়াবার কোনো সিদ্ধান্ত চেষ্টা দেখছি, আজকে কথা বলছি, আগের কিছুদিন আগে ব্রেক করা যায় এইটা তো চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলবো, বিধানদার সঙ্গে কাজ করবো। এখন কি পরিস্থিতি পরিস্থিতি এখন একটু প্রবলেম আছে, কেন মোটামুটি 15-16টা খানা কেস হয়ে গেছে, এই জন্য একটু ভাবা হচ্ছে কি কীভাবে এটা কন্ট্রোল করা যায়। যতটা পারছি আমরা চেষ্টা করছি কন্ট্রোল করার জন্য, টেস্ট করি, টেস্ট যতটা হবে কন্ট্রোল। আর একটা কথা, টেস্ট করে ওইখান থেকে প্রশাসন যেরকম অ্যাম্বুলেন্স করে ওদেরকে সোনাকা চাই, ওইখানে বারণপুরে কোনো হসপিটাল করেছে ওইখানে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা প্রত্যেক বাড়িতে যেখানে হচ্ছে ওইখানে স্যানিটাইজ করাচ্ছি, যেরকম বিধানরা নির্দেশ দিয়েছে ওরকম স্যানিটাইজ করাচ্ছি, চাহে থানা হোক চাই যেখানে হোক, আমরা যেই জায়গা হচ্ছে স্যানিটাইজ করি আমরা। না, যেখানে করবেন হসপিটালে, হসপিটালে না হসপিটালে, এখন আপাতত প্রশাসনের নির্দেশ হসপিটালে, হসপিটালে শুরু হলো, এটা কন্টিনিউ চলবে, এটা কতদিন চলবে আপাতত? যতদিন চলছে একদম এখানে। নান্দনিকে কদিন? নান্দনিক দুদিন আছে, আজ আর কাল। আজকে কটা পর্যন্ত? এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে। আজ কত টোটাল কত হল আছে? পঞ্চাশ। আজকে টোটাল কত জন? পঞ্চাশ। মাড়া অফিস গেছে, আর মাড়া অফিস মে জল সংযন্ত্র কার্যালয় গিয়া থা, ডিগবাডি মে এক জল का कनेक्शन लगाना है, लेकिन माडा ऑफिस वाले डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, इसी के लिए मुझे बुलाया गया हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता हैं सानिया अहमद जी, उन्होंने मुझसे कहा कि चल करके बात किया जाए, तो अभी हमने बात किया पदाधिकारियों से, उन्होंने कहा जल्द से जल्द कनेक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी देरी करते हैं ये लोग, इससे अच्छी बात नहीं है, ये बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। माडा कार्यालय धनबाद में बहुत ही ज़्यादा धांधली है, जनता निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी 5-6 महीना बाद उन्हें कनेक्शन मिलता है। यहाँ पर पदाधिकारी बरसों से नाग के तरह कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, और वे जनता के काम को डिले करते हैं, देर करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यह बीजेपी सरकार नहीं है, यह झारखंड सरकार है। अब ऐसे कुंडली मारकर बैठे हुए पदाधिकारियों को यहां से ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। मैं सरकार से शिकायत करूंगा और इनका ट्रांसफ़र कराऊंगा। धन्यवाद।